एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई चल रहा है कि पबजी चल रहा है? पबजी नहीं चल रहा है, चलिए अच्छी बात है, पबजी नहीं भी चलना चाहिए, ठीक है? अरे चल रहा है तो भी ठीक ही है, थोड़ा बहुत खेल भी लिया करो। मैं भी कभी कभी खेल लिया करता हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। तो क्योंकि आजकल तो आपके पास ही मोबाइल रहता है ना, तो थोड़ा बहुत पबजी तो ज्यादा ही खेल लेते होंगे आप, क्या? तो मैं ये नहीं कहता हूं खेलो मत, खेलो भी, लेकिन जितना टाइम खेलते हो उससे डबल और ट्रिपल टाइम्स कम से कम पढ़ो। यदि एक घंटा खेलते हो तो कम से कम मिनिमम 3 घंटा पढ़ो, मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम तो 8-9 घंटा पढ़ो। चलो, हम बात कर रहे थे क्या पिछले लेक्चर में, क्या बता रहे थे बच्चों आपको? हम बताए थे क्या, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। आज जो मैं बताने वाला हूं, मोलालिटी बताने वाला हूं। अच्छा, मोलालिटी बताने से पहले एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, प्योर लिक्विड का मोलालिटी कैसे फाइंड करते हैं ये पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं मोलालिटी पे आऊंगा, ठीक है? क्या मोलालिटी ऑफ प्योर लिक्विड, मोलारिटी ऑफ प्योर लिक्विड, किसी प्योर लिक्विड का हम मोलारिटी कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। प्योर लिक्विड इन सेंस ऑफ क्या, जैसे वाटर हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, एल्कोहल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, प्योर लिक्विड है। इसका क्या फाइंड करना है, मोलारिटी। तो आप जानते हैं ना मोलारिटी का डिफिनेशन, ठीक है, क्या बढ़े थे मोलारिटी का डिफिनेशन, क्या बढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन यहां तो कोई सॉल्यूट है ही नहीं, ये प्योर सब्सटेंस का मोलारिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम डिफाइन ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर लीटर, यानी इसके 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे वही क्या कहलाएगा, मोलारिटी ऑफ प्योर लिक्विड कहलाएगा। 1 लीटर में इसके मोल्स निकाल लीजिए, वही कहलाएगा मोलारिटी ऑफ प्योर लिक्विड कहलाएगा, ठीक है, यानी इस यहां मोलारिटी को कैसे डिफाइन करोगे, मोलारिटी ऑफ प्योर लिक्विड को कैसे डिफाइन करोगे, बोलो, अभी ना बताया क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन पर लीटर, ठीक है, इन पर लीटर, ठीक है, 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस निकाल लीजिए, वही है मोलारिटी ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। एज पर एग्जाम्पल हमें फाइंड करना क्या, फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, वाटर का डेंसिटी पता है तुम्हें कितना, 1 ग्राम पर ml, ठीक है, क्या करना है, फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। तो ऐसा करते हैं ना, 1 लीटर वाटर में मोल्स ऑफ सब्सटेंस निकाल लेते हैं, यानी 1 लीटर वाटर में वाटर का कितना मोल है वही क्या कहलाएगा, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर कहलाएगा। 1 लीटर में जितने मोल्स ऑफ वाटर होंगे वही क्या कहलाएगा, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर कहलाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते देखिए क्या करोगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लोगे, वाटर कितना, यानी H2O का वॉल्यूम कितना, 1 लीटर, ठीक है, हम 1 लीटर ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे ना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1000 ml, बोलो, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर मालूम हो गया ना, मास ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, कितना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी मालूम है कितना, 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम मालूम है ना, डेंसिटी भी मालूम है, तो क्या आ गया बताइए, 1000 ग्राम मास ऑफ वाटर आ गया। अब क्या निकाल लो, मोल्स निकाल लो ना, ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, क्या निकालोगे, मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए, कितना,
अरे मास मालूम हो चुका है ना, 1000 ग्राम। अब आई मोलर मास कितना, 18 मोल आ गया। अब मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी ऑफ वाटर निकालना है तो गया प्योर वाटर, तो गया घर हो गया। मोल्स ऑफ वाटर, अब आई वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, यानी मोल अब आई वॉल्यूम। मोल्स ऑफ वाटर कितना बोलो, 1000 / 18, वॉल्यूम कितना, 1 लीटर, निकल तो गया, आंसर आ गया। यही सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55.56 m। तो इसको रिमेंबर रखिएगा भी कि मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर 55.56 होता है, ठीक है, याद रखिएगा मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर को। उसी तरह से दूसरे का भी मोलारिटी निकाल सकते हैं, दूसरे प्योर लिक्विड का भी आप मोलारिटी निकाल सकते हो। जैसे कहेगा फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ प्योर बेंजीन, और बेंजीन का डेंसिटी दिया रहेगा, तो इसी तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। किसी ने बोला सर आप वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर लेके बनाए, किसी ने बोला हम 50 लीटर लेके बनाएंगे, ठीक है, किसी ने बोला हम 2000 लीटर लेके बनाएंगे, तो क्या मोलारिटी अलग अलग आएगा, कभी नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूं मोलारिटी जो कोई भी नॉट ओनली मोलारिटी कोई भी कंसेंट्रेशन टर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास से क्या होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। यानी आप 1 लीटर वाटर लेके सॉल्व करो सवाल, या 2 लीटर वाटर लेके मोलारिटी निकालो, आंसर सेम ही आएगा। किसी ने बोला हम 2 लीटर लेके बनाएंगे, तो चलो उसके लिए 2 लीटर लेके बना देते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। मोलारिटी को भी मास पर डिपेंड नहीं करता है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। किसी ने कहा हम 2 लीटर लेके बनाएंगे, चलो 2 लीटर लेके बना रहे, देखो 2 लीटर लेके बना रहे, देखो ठीक है 2 लीटर लेके बना रहे बेटा, देख लो भाई, देख लो, फिर सॉल्व कर दोगे इसको आगे तो 1000 / 18 ही तो आ जाएगा, और फाइनली यही आंसर आएगा, देख लो, देख लो। तो 2 लीटर लेके भी बनाए तो उतना ही आंसर आया। तो पहले ही बता दिया हूं कि कोई भी कंसेंट्रेशन टर्म मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, समझ में आई बात। गधा लीटर लेके भी बनाओगे तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है, घोड़ा लीटर लेके भी बनाओगे तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ये तो समझ आ दिया, अब अगला नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं, क्या मोलालिटी, ठीक है, क्या बात करेंगे, मोलालिटी। देखिए, अरे बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है, अरे बोलो, अरे बोलो हनुमान जी, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, अरे जय श्री राम, राधे राधे बोलो यार, समझ में आ रहा सबको, ठीक है, कुछ तो बोलो, जय हनुमान जय श्री राम कुछ तो बोल दिया करो, जय श्री कृष्ण बोल दिया करो, समझ में आ रहा है, अरे बोलो भाई, ठीक है, कुछ आ रहा है समझ में, चलो आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो मोलालिटी, ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, मोलालिटी क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट, यानी 1 केजी सॉल्वेंट में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वही कहलाएगा मोलालिटी, ठीक है। बोले द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट, ठीक है, इस कॉल्ड क्या, मोलालिटी। इट मींस मोलालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन सॉल्यूट का मतलब क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब आई गया मास ऑफ सॉल्वेंट, समझ में आ रहा ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किसमें लेने, इन केजी, पर केजी है ना, अरे डिफिनेशन में पढ़ो ना, देखो ना, पर केजी है ना बेटा, ठीक है, या मोलालिटी इक्वल टू, बोलो क्या बोलोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब भाई मास ऑफ सॉल्वेंट यदि ग्राम में दिया रहेगा तो उसको केजी में बदल देंगे, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट यदि क्या बोले, ग्राम में दिया रहेगा तो केजी में बदल देंगे ना, ठीक है, इन ग्राम में दिया रहे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, देख लो भाई, ठीक है, सबको समझ में आया। अच्छा यूनिट बताओ मोलारिटी का, यूनिट बताओ मोलालिटी का, सॉरी मोलालिटी का बोल रहा हूं, मोलालिटी का यूनिट बताओ, मोल पर केजी, देखो ना ऊपर में मोल और नीचे में पर केजी है ना, ठीक है, देखो ना
मोल मोल बटा के जी है ना, यानी मोल पर के जी, मोल पर के जी, या स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल एम। कैपिटल एम से मोलारिटी और स्मॉल एम से मोलालिटी, ठीक है? कैपिटल एम से मोलारिटी और स्मॉल एम से मोलालिटी, ठीक है? गो डाउट, बोलो, क्वेश्चन करें, चलो फटाक से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा एक चीज और बता दो आप, ठीक है, ध्यान देना एक बात, एग्जाम्पल एक समझ लेना पहले, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, NaOH का, ठीक है, सॉल्यूशन है, इसके बारे में दिया गया है क्या 0.2 m, स्मॉल m दिया गया, मोलारिटी इसका दिया गया, इसका मोलालिटी दिया गया, स्मॉल m का मतलब मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी दिया गया है 0.2 m, इट मींस क्या क्या कह सकते हो आप, 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, बोल सकते हो ना? और इसका मीनिंग क्या निकल के आया, 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इन सेंस ऑफ गैस, NaOH प्रेजेंट इन, बोलो प्रेजेंट इन क्या, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और एक को सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या, वाटर, ठीक है, देख लो भाई मीनिंग निकाल दिया, समझ में आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान देना, फाइंड आउट, फाइंड आउट क्या, बोलो, अरे बोलो भाई कुछ आ रहा है, ठीक है, बोलो सर बहुत ऑनलाइन पढ़ लिए सर, अब ऑफलाइन पढ़ने का मन है, ठीक है, तो चिंता मत करिए, जैसे एक गाना सुने हो, तुझे मेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है, तो वो गाना बहुत जल्दी अब आने वाला है, ठीक है, मतलब हम आपसे मिलेंगे आप हमसे ही मिलेंगे, ठीक है, जितना जरूरत आपको है उतना जरूरत मेरे को भी है, ठीक है, क्योंकि घर में बैठे बैठे पागल जैसा मन हो जाता ना, कैमरा के सामने पढ़ाते पढ़ाते दिमाग सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है, पढ़ाएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी पढ़ाना है, पढ़ाएंगे वो भी, ठीक है, लेकिन बहुत हो गया क्या, तो बोलो मन में सोच रहा होगा कि भगवान, ठीक है, चलो चलो जल्दी जल्दी खुले, चलिए अच्छी बात है, चलिए पढ़ाई पे आते, फिर क्या कर रहे हो, फाइंड आउट मोलालिटी ऑफ 20% बाई वेट, ये बाई वेट या बाई मास दिया रहेगा, वाई मास ऑफ क्या, NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर रहे हैं, देखो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इसका, ये पहले बताओ 20% बाई मास मीन्स की मतलब क्या हुआ, क्या बोलोगे, लेट 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन क्या 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट, बताया था ना परसेंटेज बाई मास का मीनिंग, बताया था ना क्या, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बताया था ना आपको, यानी 20 ग्राम सॉल्यूट है कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी बोले लेट क्या, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन क्या 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, ठीक है, तो दो चीज तुम्हें पता लग गया, मास ऑफ सॉल्यूट पता लग गया, और क्या पता लग गया, मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर निकाल लो कितना, 100 माइनस 20 यानी 80 ग्राम, बोलो ये तो बताओ गया, फॉर्मूले लगा दो मोलालिटी का, यही ना निकालना है मोलालिटी, लगा दो यार फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास पता है, ठीक है, मास पता है ना, ठीक है, अब आई मोलर मास कर दो, अरे यार फॉर्मूला होता है ना स्मॉल m, यानी मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब भाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और इनटू क्या 1000, ठीक है,
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास पता है, मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल चुका है 80 और इनटू 1000, सॉल्व कर लो आंसर, गुना भाग तो में आता है, ठीक है, समझ में आया सबको? अरे को डाउट पूछो, को डाउट है नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले आपको, कुछ रिलेशन बताने वाले जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, जैसे मोलालिटी और मोलालिटी में सब रिलेशंस बताने वाले हैं। कुछ रिलेशन पहले भी बता चुके हैं हम आपको, ठीक है, लेकिन अभी और रिलेशंस हम देखने वाले हैं, जैसे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लिखिए सम रिलेशंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है, हम कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बीच, समझ में आ रहा है बेटा? अरे बोलो, आ रहा है सबको? ठीक है, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो ना, तो मैं लगता है कि मैं पागल हूं, अगला आदमी सुन रहा है और मजा ले रहा है, ठीक है, हम भी मजा लिया करते थे, लेकिन हमारे टाइम में तो ऑनलाइन क्लास नहीं रह जाता था, हम लोग ऑफलाइन में मजा लिया करते थे थोड़ा बहुत, ठीक है, चलिए, तो बोल रहे हो तुम लोग मन में सोच रहे हो, ठीक है, चलिए मन में सोचना क्या है, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझिए, इंपॉर्टेंट है क्या, रिलेशन बिटवीन बिटवीन क्या बेटा, मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक है, अब देखो एक बात पहले तुम्हें बताता हूं, यानी मोलारिटी का मतलब क्या, कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, तो रिलेशन लाने के लिए एक वैल्यू को तो नोन करना पड़ेगा, ठीक है, तो किसी एक को नोन करेंगे और दूसरे का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सॉल्यूशन जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसमें यदि रिलेशन नहीं भी याद रहेगा ना तो सवाल बन जाएगा, यदि आपको एनालिसिस करने आता है तो, क्या बोल रहे हैं, यदि सॉल्यूशन वाले टॉपिक में ना यदि फॉर्मूला नहीं भी याद है, रिलेशन नहीं भी याद है, तो सवाल बन जाएगा, कब, जब आपको एनालिसिस करने आता है तब, ठीक है, तो चलो मैं किसी को नोन करता हूं और दूसरा फाइंड करने की कोशिश करता हूं, तो क्या नोन कर दूं, बोलो क्या नोन कर दूं, चलो मोलारिटी ही नोन कर देता हूं, लेट क्या मोलारिटी, ठीक है, इक्वल टू मान लेता हूं एक्स मोल पर लीटर, ठीक है, अच्छा मोलारिटी और मोलालिटी में तभी रिलेशन आ सकता है जब सॉल्यूशन का डेंसिटी पता हो तब, विदाउट डेंसिटी आप रिलेशन नहीं ला सकते, ठीक है, वो डेंसिटी सॉल्यूशन का गिवन होगा, क्या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं इक्वल टू डी ग्राम पर एमएल, ठीक है, ये क्वेश्चन में होगा, ठीक है, एक दिया रहेगा और डेंसिटी भी दिया रहेगा, ठीक है, और दूसरा निकालने बोलेगा, तो मैं गिवन डाटा क्या गया हूं, मोलारिटी को गिवन बना दिया हूं, चलो मोलारिटी का इट मींस क्या, एक लीटर सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, एक्स, यानी दो चीज तुम्हें पता हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता हो गया एक लीटर और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, एक्स, यानी बोल सकते ना दो चीज तुम्हें पता हो गया ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कितना बेटा एक लीटर, इट मींस क्या 1000 ml, ठीक है, और क्या पता हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी पता हो गया, कितना बेटा x, दो चीज तुम्हें पता हो गया, ये जो मोलारिटी का गिवन डाटा था उससे हम दो चीज पता किए, ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक तो गिवन किया है ना, मोलारिटी को गिवन कर दिया, हमें मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का तो मोल्स मालूम हो चुका है, अब भाई मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए ना, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल देते, देखिए इक्वल टू क्या लिखूं, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और माइनस क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, हाँ या ना, ठीक है,
इतना समझ में आ रहा है? मार्क्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है, देखो भाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है और डेंसिटी मालूम है, तो मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दो, कितना आ जाएगा? 1000 इनटू डी, देख लो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml, डेंसिटी डी ग्राम पर ml, ठीक है? तो क्या करते हैं, मास निकाल देते, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल मालूम है, ठीक है, एक्स, और इनटू मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो ना, एम सॉल्यूट। एम सॉल्यूट का मतलब क्या? दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम सॉल्यूट क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। ये जो एम सॉल्यूट है वो हम क्या माने, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बोलो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये बोलो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब इतना सब बस क्लियर हुआ। अरे बोलो, डाउट है कुछ? डाउट है बोलो भाई। अरे प्राणियों कुछ बोलो, इतना में किसी को डाउट दे नहीं ना, तो अब क्या निकालना बेटा? चलो निकाल देते हैं, देखो देखो क्या निकालना बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं, मोलालिटी इक्वल टू क्या? एक तो नोन है ना, मोलालिटी तो हमने नोन किया ऑलरेडी, इक्वल टू क्या? देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन सॉल्यूट का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वाई मास ऑफ सॉल्वेंट और इन ग्राम और इनटू क्या? 1000, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए, सबकी वैल्यू बैठाओ, सबकी वैल्यू बैठाओ, देखो देखो तुम्हें बार बार डिराइव नहीं करना, मैं एक बार डिराइव कर दिया हूं क्योंकि तुम 11th में पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, यदि रिपीटर बैच को पढ़ाता हूं ना तो मोल कंसेप्ट मात्र और मात्र 4 lecture में खत्म कर देता हूं, क्यों? क्यों मैं जानता हूं उनको 11th 12th पढ़ के आए, मोल कंसेप्ट मात्र और मात्र 4 से 5 lecture में रिपीटर बैच को उड़ा देता हूं, रिपीटर बैच इन सेंस ऑफ क्लास 13 जो 12th पास कर गए, ठीक है, उनको 4 lecture में मोल कंसेप्ट उड़ा देता हूं, ठीक है, लेकिन तुम अभी 10th पास करके आओ, उड़ा देंगे तो दिमाग भी उड़ने लगेगा, इसलिए धीरे धीरे आराम सब कुछ समझाते हुए चलते तुम्हें, ठीक है। मोलालिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ऊपर में क्या है? 1000, ठीक है, यानी स्मॉल m मोलालिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना अभी देखे थे ना, x बाय, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 इंटू डी माइनस एक्स इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, एक्स इंटू एम सॉल्यूट का मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मॉलिकुलर मास जो लेंगे वो ग्राम पर मोल में लेंगे ना, आपको पता है सारा, ठीक है, इंटू क्या? 1000, ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना बोलो कर रहे हैं, देखो अब मैं इसको और मॉडिफाई करता हूं, मोलालिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल m से, x मेरा क्या गिवन था? कैपिटल m यानी मोलालिटी, x क्या क्वेश्चन में हम दिए थे, ठीक है, वो तो अलग बात है ना, मैं एनालिसिस करके निकाले, ठीक है, कि x का मीनिंग निकाले, लेकिन x में हम आपको क्या दिए थे, ठीक है, x क्या दिए थे? मोलालिटी दिए थे, तो x के बदले हम बैठाते हैं मोलालिटी, कैपिटल m इंटू 1000, अब भाई 1000 इंटू डी माइनस कैपिटल एम इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, देखो रिलेशन हो गया बेटा, देखो देखो स्मॉल एम मतलब मोलालिटी, कैपिटल एम मतलब मोलारिटी, ठीक है, किसी को डाउट बोलो, डी क्या है? डेंसिटी इन ग्राम पर ml, ठीक है, अब इसको और भी चाहे तो मॉडिफाई कर सकते, देखिए 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 ठीक है, ये याद रखना, रिजल्ट बताएं वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो इसको चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो, आपकी इच्छा, मैं चौक ले लेता हूं, ठीक है, इसको चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो, देखो कैसे, अब 1 by small m, ठीक है, स्मॉल m क्या है पता है, अभी ने बताया मोलालिटी, कैपिटल m क्या है? मोलारिटी, d क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिट किसमें लेना है? ग्राम पर ml, ये छोटा छोटा टर्म था मैंने लिख दिया टर्म के बारे में भी, 1 by small m इक्वल टू उप नीचे वाले को ऊपर करो, 1000 d माइनस m इंटू
मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय, ठीक है, क्या बेटा 1000 इंटू एम, अलग अलग करो, 1 बाई स्मॉल एम अलग अलग करो ना, 1000 बाई डी डिवाइड बाई 1000 इंटू एम, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा डी बाई कैपिटल एम माइनस, ये दोनों को साथ इससे डिवाइड करो, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, अब भाई क्या 1000, इस तरह से भी याद रख सकते हो, देखो आपकी इच्छा, देख लो भाई अलग अलग कर दिया बेटा, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, तो इसके साथ लिया तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा ना ये वाला, ठीक है, तो क्या बचेगा मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई 1000, समझ में सबको आया, अरे सबको समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछो, इतना में किसी को डाउट है तो पूछो, है डाउट तो बोलो, ठीक है, चलो इसमें क्वेश्चन कर देता हूं ना छोटा सा, ये तुम लोग खुद से कर लेना, मैं लिखा देता हूं क्वेश्चन को, ठीक है, बस मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं, तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है, तुम लोग का तो तेज है ये हो, बनाने आता ही है, ठीक है, मैं बस क्वेश्चन लिखा देता हूं, ठीक है, ध्यान देना कुछ एक डाट, अब इसमें क्वेश्चन लिखाना क्या है, कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलालिटी है 0.6, ठीक है, स्मॉल एम को मतलब पूरा, चलो अभी पूरा लिख देता हूं, मोलालिटी दिया गया है, ठीक है 0.6, ठीक है, डेंसिटी दिया गया है सॉल्यूशन का कितना 1.2 ग्राम पर एमएल, तो कह रहा है फाइंड आउट मोलारिटी, ठीक है, और सॉल्यूशन किसका लिए है, चलो बता देते हैं, जो हम सॉल्यूशन लिए हैं एक्वस एनओएच सॉल्यूशन लिए, एनओएच का सॉल्यूशन लिए, एनओएच का हम एक्वस सॉल्यूशन लिए, ठीक है, ये हम सॉल्यूशन लिए एनओएच का एक्वस सॉल्यूशन लिए, जिसका मोलालिटी दे दिए, डेंसिटी दे दिए, मोलालिटी निकालना, रिलेशन आपके पास बता है, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है सॉल्व कर लीजिएगा, नो डाउट, अरे इन एनओएच का एक्वस सॉल्यूशन में मोलालिटी दिया गया है, डेंसिटी दिया गया, और क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना, रिलेशन लगा के निकाल सकते हो, अभी आपको रिलेशन लगा के निकालने का मन नहीं है तो फिर क्या करोगे, ठीक है फिर क्या करोगे, एक उपाय है आपके पास, एनालिसिस करो, ठीक है, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, ये किस में दिया रहेगा, मोल पर केजी, या स्मॉल एम भी लिखा रह सकता है, ठीक है, इसका यूनिट तो बताया ना मोलालिटी का, मोल पर केजी या स्मॉल एम, ठीक है, तो चाहो तो फॉर्मूला लगा लो और नहीं चाहो तो एनालिसिस करो, ठीक है आपकी जैसी इच्छा, समझ में आ रहा है, कोड आउट है बना लोगे तुम लोग, अरे बोलो फॉर्मूला लगा के बना लोगे ना, किसी ने बोला सर फॉर्मूला लगा के तो हमसे हो जाएगा, आप एनालिसिस करके थोड़ा दिखा दीजिए ना, चलो मैं एनालिसिस करके दिखा देता हूं, हमें मान लिया हम कमजोर आदमी है, पढ़ने में बहुत ही कमजोर है, हमको रिलेशन याद नहीं है, मोलालिटी और मोलालिटी वाला रिलेशन याद नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, हमें क्या गिवेन है, मोलालिटी गिवेन है, क्या 0.6 मोल पर केजी, इसका मतलब क्या हुआ बोलो, कि हमें 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मोल पता हो गया, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें पता हो गया कितना, बोलो 1 kg, और क्या बताओगे, 1 kg सॉल्वेंट में मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या बेटा 0.6 मोल, ठीक है दो चीज पता हो गया, अच्छा अब ध्यान दो, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, ठीक है अब हमें एक काम कर देना, मास ऑफ सॉल्यूट पता है हमें, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट नहीं बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बार बार बोल रहा हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, ठीक है तो हम मास ऑफ सॉल्यूट नहीं निकाल सकते, यहां से देखो तो मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते, कितना मास ऑफ सॉल्यूट, क्या मोल इंटू मॉलिकुलर मास, मोल कितना 0.6, एनएच का मॉलिकुलर मास कितना, बोलो उसका मोलर मास कितना आ जाएगा 23, 24, 16 कितना 40, बोलो भाई आएगा ना 40, तो कितना आ जाएगा बोलो, कितना
24 ग्राम, आगे मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो ना, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, कितना मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, ठीक है, सॉल्यूट का मास कितना 24 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट का मास कितना 1 केजी, यानी कितना 1000 ग्राम, यानी 1024 ग्राम, देख लो भाई 1024 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा ना, ठीक है, देखो यार डेंसिटी पता है, मास पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या इक्वल टू क्या मास ऑफ सॉल्यूशन, एम सॉल्यूशन का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, चलो पूरा लिख देता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन, अब भाई क्या बोलो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास कितना बता बेटा 1024, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है तुम्हें 1.2, ठीक है, इतना ml क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, आ गया, अब हमें निकालना क्या है, जो निकालना है उसको निकाल देते हैं, देखो देखो भाई निकाल देते हैं, क्या बेटा निकालना गया, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब भाई क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता है 0.6, ठीक है, बोलो भाई 0.6 तो पता था, अब भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वहां निकल चुका, देखिए 1024 बटा 1.2 वाई 1.2 इंटू क्या 1000 गुना भाग कर लोगे आंसर, देख लो हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया, जो गिवन डाटा था उसका एनालिसिस कर दिया, ठीक है, जो गिवन डाटा था उसका एनालिसिस कर दिया, हमने कोई रिलेशन नहीं याद रखा, तो आप रिलेशन नहीं भी याद है तो सवाल सॉल्व कर सकते हो, बोलो भाई कोई डाउट इतना में नहीं ना, चलो आगे दो रिलेशन और बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आगे दो रिलेशन और बताएंगे हम आपको अभी, पहला रिलेशन क्या है उसको दे, एक तो बता दिए मोलारिटी और मोलालिटी में रिलेशन, दूसरा रिलेशन बिटवीन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन निकालना है, तो चलिए निकालते, देखिए हम एक को नोन करेंगे दूसरा को फाइंड करेंगे, ठीक है, मान लेता हूं लेट मोलालिटी की वैल्यू बाई केजी बाई मोल पर केजी है, बाई मोल पर केजी है, इसका मतलब एक केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मोल कितना वाई, ठीक है, यानी क्या क्या मालूम हो गया, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना वाई, मास ऑफ सॉल्वेंट मालूम हो गया कितना एक केजी, वन केजी यानी 1000 ग्राम, ठीक है, निकालना क्या मोल फ्रैक्शन किसका, किसी का भी निकाल सकते हो, सॉल्यूट का भी निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो, मान लिया मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, चलो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब भाई टोटल मोल, टोटल मोल का मतलब क्या, सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, देखो भाई सॉल्वेंट का मोल, सॉल्यूट का मोल पता है कितना वाई इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास पता है ना, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर दो, मास पता है 1000 ग्राम, अब भाई एम सॉल्वेंट यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बोलो, एम सॉल्वेंट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, आगे रिजल्ट देख लो आपके सामने रिजल्ट आ गया, अब इसको अच्छे से लिख देते हैं, देखो याद रखने के लिए लिख देते हैं, देखो क्या करोगे बेटा, क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या बाई, आपके क्वेश्चन में क्या गिवन था, मोलालिटी यानी स्मॉल एम, ठीक है, ये पूरा लिख देते हैं मोलालिटी,
डिवाइडर भाई, ये भाई क्या गिवन था, मोलालिटी, वो तो आप अलग बात है एनालिसिस करके निकाले मीनिंग, लेकिन वाई क्वेश्चन में दिया गिवन था मोलालिटी प्लस 1000 वाई एम सॉल्वेंट। देख लो भाई, देख लो, इस शॉर्ट में लिखें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू स्मॉल एम बाई स्मॉल एम प्लस 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देख लो भाई, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कर देते हैं छोटा सा, देखो छोटा सा ही क्वेश्चन कर देते हैं यहां पे। एग्जांपल, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, वन मोलल का मतलब क्या, मोलालिटी। अब मोलर बोले तो मोलारिटी हो जाता, मोलल बोले तो मोलालिटी स्मॉल एम, अब मोलर बोलता तो मोलारिटी हो जाता। ठीक है, तो अभी तो रिलेशन पढ़े, ठीक है, क्या लगा दो यार, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या, मोलालिटी कितना दिया गया, वन अवाई वन प्लस 1000 अवाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना, देखो सॉल्वेंट मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसमें क्या है, अरे एक सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो भाई 18 कर दो ना आंसर, सॉल्व कर लो यार आंसर, समझ में आया, को डाउट, अरे को डाउट है तो बोलो, छोटा भी डाउट है तो बोलो, नहीं ना को डाउट है तो बोल दो पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, को डाउट है बेटा बोलो, किसी को छोटा भी डाउट है तो पूछ लो और नहीं है तो नहीं पूछो, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक रिलेशन और बता देते हैं उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, एक रिलेशन और देख लीजिए, एक रिलेशन और देख लीजिए। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, तीसरा नंबर का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन क्या बेटा, इस बार मोलारिटी में निकाले थे ना, इस बार मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन में निकालेंगे, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें रिलेशन निकालेंगे, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, चलो ध्यान देना, मान ले सॉल्यूशन ए और बी से बना है। ठीक है, ए मेरा मान लो सॉल्वेंट है, बी मेरा सॉल्यूट है। ठीक है, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है समझना, इसका मोल एनए है, इसका मोल एनबी है। ठीक है, इतना तो क्लियर है बेटा, बोलो को डाउट है इतना में, नहीं। अब अभी निकालना गया है मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल सब सॉल्यूट, पहले फार्मूला लिख देते, वाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यदि ml में दिया रहे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, अरे बोलो भाई करोगे ना। ठीक है, मोल सब सॉल्यूट कितना, nb इंटू 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, यानी नीचे क्या लिखूं, मास ऑफ सॉल्यूशन अवाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को ऊपर कर दो, डी सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऐसे लिखो ना, एन बी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी, अब मास ऑफ सॉल्यूशन के बदले लिखो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, देख लो भाई मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां देखो ना, एन वी इंटू 1000 इंटू डी, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल मालूम है ना, और मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो ना,
तो मास आ जाएगा ना एनबी इंटू एम बी प्लस एन ए इंटू गया एम ए। देखो भाई अब मैं इधर कर रहा हूं, देखो ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं कैपिटल एम इक्वल टू, देखिएगा एन बी इंटू डी और इंटू 1000। अब भाई क्या एन बी इंटू एम बी प्लस एन ए इंटू एम ए, ऐसा करता हूं अपने मन से, टोटल मोल से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूं अपने मन से, एन टोटल से यहां डिवाइड करता हूं और एन टोटल से यहां डिवाइड करता हूं अपने मन से। वैल्यू में कोई चेंजिंग आएगा बोलो, एन टोटल से अपने मन से ऊपर डिवाइड के, एन टोटल से नीचे अपने मन से डिवाइड के, वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा ना, ठीक है। अब देखो जब नहीं आएगा देख लो आप, ठीक है, एन बी बाई एन टोटल के बदले क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ बी बाई टोटल मोल के बदले क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं ना, यानी कैपिटल एम इक्वल टू एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू डी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, देखो एन बी बाई एन टोटल के बदले क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और इंटू एम बी प्लस, बोलो एन ए बाई एन टोटल के बदले क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और इंटू क्या एम ए। देख लो रिलेशन आ गया, देख लो भाई ठीक है, कोई डाउट है पूछो। देखो टर्म के बारे में जान लो, कैपिटल एम क्या है, मोलारिटी, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स बी पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डी क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है, कोई डाउट इतना में किसी को नहीं ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा और जो रिलेशन बताएं उसको ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। बस अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा मोल कंसेप्ट का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कुछ और पॉइंट बचा हुआ उसको बता देंगे, क्योंकि मैं पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता हूं, ठीक है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि छोड़ के पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आता है, ठीक है इसलिए नेक्स्ट लेक्चर और करेंगे एटॉमिक मोल कंसेप्ट का, उसके बाद क्या करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है गाइस, ओके थैंक यू बाय।